अम्ल और क्षारकों के बाद अब बात करते हैं हम लवण की। आप जानते ही हैं कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षारक से कराई जाती है तो लवण बनते हैं और जल बनते हैं। लेकिन जब भी हम किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं, लेकिन लवण किस प्रकार का बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार के अम्ल या क्षारकों का उपयोग किया है। तो इस तरह से उपयोग किए गए अम्ल तथा क्षारकों के आधार पर हम लवण को चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार वो होगा जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों से मिलकर बनेगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि। क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड बना है वह एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से बना है। उसी तरह से यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl की क्रिया से बना है। तो इस तरह से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों से ये लवण हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से यदि हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारकों का उपयोग करें तो हमें अलग प्रकार के लवण प्राप्त होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम फॉर्मेट। सोडियम एसीटेट में यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है एक दुर्बल अम्ल था, जबकि जो क्षार था यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल था। इनके संयोग से ये लवण बने हैं। तीसरे प्रकार के लवण वो होंगे जो कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारकों से मिलकर बने होंगे, जैसे यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का। यहाँ पर जो अम्ल है वह प्रबल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि जो क्षारक है वह दुर्बल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके संयोग से बनने का जो लवण वह होगा अमोनियम क्लोराइड। चौथे प्रकार के लवण वो होंगे जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारकों के संयोग से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड और दुर्बल क्षारक लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके संयोग से जो अम्ल बनेगा वो होगा अमोनियम एसीटेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें चार प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। अब जब हम इन लवण को जल में विलेय करेंगे तो सबकी रिएक्शन क्या एक ही प्रकार की होगी? यहाँ पर लवण को जल में विलेय करने पर दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। या तो लवण जलयोजित हो सकता है या फिर लवण जल अपघटित हो सकता है। यहाँ पर हम बताएं कि जो जलयोजन है, जलयोजन की क्रिया हम उसे कहते हैं जब हम किसी लवण को, मान लीजिए HA लवण है जिसे हम जल में विलेय करते हैं, तो जो लवण है वह अपने H प्लस और A माइनस आयनों में टूट जाएगा। और हम जानते हैं कि जल एक ध्रुवीय विलायक है और जल के जो अणु है उसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लवण के आयन जब विलयन में जाते हैं तो जल के अणु विपरीत आयनों को अपने चारों तरफ घेर लेते हैं, यानी कि जो धन आयन होंगे उनको जल ऑक्सीजन की तरफ से चारों तरफ घेर लेगा और जो ऋण आयन होंगे उनको हाइड्रोजन के तरफ से चारों तरफ से घेर लेंगे। इस प्रकार जो लवण होगा वह अपने आयनों में वियोजित अवस्था में रहेगा और इसलिए इनका जो विलयन होगा उस पर उस उदासीन होगा और उस से जो विलयन का जो पीएच है उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखें जो दूसरे प्रकार का के जो लवण होते हैं, दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि उनका जल में अपघटन हो जाए, यानी कि जब हम लवण को जल में विलेय करें तो इनके जो आयन बनेंगे, आयनों में जो ये अपघटित होंगे, ये आयन जल के साथ क्रिया कर लेंगे और उसके फलस्वरूप ये अपनी प्रकृति के अनुसार नए प्रकार के अम्ल या क्षारक का उत्पादन करेंगे। और चूंकि नए प्रकार के फिर से अम्ल या क्षारक बनेंगे, इसकी वजह से जो विलयन होगा उसका पीएच प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की, किसी भी लवण को जल में विलेय करने पर दो प्रकार की क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो चार प्रकार के लवण देखे,
उनमें से जो पहले प्रकार के लवण हैं, यानी कि जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों से मिलकर बनते हैं, ऐसे लवण को जब जल में विलेय किया जाता है तो वे जल योजित होते हैं। और इस प्रकार के जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यदि हम सोडियम क्लोराइड को जल में विलेय करेंगे तो इसके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जलयोजित हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर आयनों तथा जल के बीच यहाँ पर जलयोजन की जो क्रिया हो रही है इस या सॉल्वेशन की या किसी दूसरे विलायक में विलेय करने पर हम कहेंगे कि सॉल्वेशन की जो क्रिया हो रही है इस क्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। और इसीलिए यहाँ पर जो लवण के जो आयन है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं और पुनः लवण के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। और इसीलिए इस प्रकार का जो विलयन तैयार होगा उसका पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं इनका जो विलयन होता है वह उदासीन विलयन होता है। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के लवण हैं वो सभी जल में घोले जाने पर ये जल अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर जो दूसरे प्रकार के लवण थे, यानी कि जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारकों के साथ मिलकर बने थे, यानी कि यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट का उदाहरण। जब सोडियम एसीटेट जो कि एक दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड और एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, जब इसका आयनन होगा तो यहाँ पर जो सोडियम एसीटेट लवण है यह प्रबल विद्युत अपघट्य है और इसलिए यह पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। और आयनन के फलस्वरूप यह बहुत अधिक मात्रा में एसीटेट आयन तथा सोडियम आयन देंगे। अब यहाँ पर चूंकि बहुत अधिक मात्रा में एसीटेट आयन बने हैं, ये जल के साथ क्रिया होगी इनकी, और चूंकि यहाँ पर जल से ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जल के पास जो पॉजिटिव चार्ज आयन है यानी कि प्रोटॉन, इनके द्वारा इनको ये ग्रहण कर लेंगे और पुनः यह एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसिटिक एसिड जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और जिसका आयनन बहुत ही कम होता है, और इसके लिए जो हम जानते हैं कि इसके लिए आयनन स्थिरांक के ए की जो वैल्यू होती है वो भी काफ़ी कम होती है, 1.8 × 10⁻⁵ होती है। और इस तरह से अब जो कि जल में से प्रोटॉन निष्कासित होकर एसीटेट आयन के साथ जुड़कर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए अब विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और इस तरह से विलयन का जो पीएच होगा, जो फाइनली जो विलयन होगा उसका पीएच यहां पर बढ़ जाएगा, यानी कि वो क्षारीय हो जाएगा और इसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे प्रकार के लवण की बात करें जो कि दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल के संयोजन से बनते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल HCl के साथ मिलकर बनता है। जब हम अमोनियम क्लोराइड को जल में वियोजित करेंगे तो यहाँ पर यह अमोनियम आयन NH4+ आयन देगा और साथ ही साथ यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन देगा। अब यहाँ पर जो अमोनियम आयन है, चूंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों को ग्रहण करेंगे और इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वह पुनः वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे इसका आयनन काफ़ी कम होगा। फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर जो जल में बचे प्रोटॉन या H+ आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे विलयन अम्लीय हो जाएगा, यानी कि जो विलयन का पीएच है वह अब 7 से कम हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो KB की वैल्यू होती है वह काफ़ी कम होती है, 1.77 × 10⁻⁵, इसलिए इसका वियोजन कम होगा और इस तरह से विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और विलयन अम्लीय हो जाएगा, यानी कि इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के लवण की जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारकों के संयोग से बनते हैं। इसका उदाहरण हम ले रहे हैं अमोनियम एसीटेट, जो कि दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड और दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से बनता है। जब अमोनियम एसीटेट को जल में घोला जाएगा तो यह एसीटेट आयन और अमोनियम NH4+ आयन देगा। अब यहाँ पर जब
दोनों की क्रिया, क्योंकि जल में हाइड्रोजन आयन भी है और OH माइनस आयन भी है, तो जल की क्रिया में से जो एसीटेट आयन है वो प्रोटॉन ग्रहण करके पुनः एसिटिक एसिड बनाएंगे, जबकि जो अमोनियम आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयनों को ग्रहण करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ही दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं और इसलिए दोनों का ही आयनन कम होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि ये जो इसके अलावा जो H प्लस और OH माइनस आयन है ये मिलकर जल का निर्माण भी करते हैं। अब यदि हमें इनके pH का मान पता करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नए फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और ये होता है pH इज इक्वल टू 7+1/2 इंटू पी के ए माइनस पी के बी। अब यहाँ पर यदि हमें जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक हैं उनके पी के ए और पी के बी की वैल्यू पता है तो उसे रख कर हम परिणामी विलयन का pH ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर पी के ए और पी के बी इन दोनों का अंतर यदि धनात्मक होगा तो निश्चित रूप से जो pH वैल्यू होगी वह 7 से अधिक हो जाएगी और विलयन क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, और यदि पी के ए और पी के बी इनकी वैल्यू का अंतर नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो वैल्यू जो 7 से कम हो जाएगी और इस स्थिति में pH जो होगा वह 7 से कम होगा और जो विलयन होगा वह अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है दिया है, एसिटिक एसिड जिसकी पी के ए वैल्यू है 4.76 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पी के ए वैल्यू है 4.75। तो यहाँ पर अमोनियम एसिटेट विलयन की pH की गणना करें। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला हमें पता है उसमें हम ये सारे वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा pH इज इक्वल टू 7+1/2 इंटू पी के ए माइनस पी के बी। तो यहाँ पर 7+1/2 यहाँ पर पी के ए की वैल्यू है यहाँ पर 4.76 और पी के बी की वैल्यू है यहाँ पर 4.75। यहाँ पर हम अंतर देख रहे हैं तो ये अंतर आता है 0.01 का, यानी कि जो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस क्योंकि हाफ करना है तो हाफ करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 0.005 और इस तरह से जो पी एच वैल्यू आती है वो हो जाएगी 7.005। तो इस तरह से किसी भी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण में यदि हमें उसके जो मूल अम्ल और क्षार के पी के ए वैल्यू या पी के बी वैल्यू पता हो तो हम उस लवण के पीएच वैल्यू की गणना कर सकते हैं। यदि हम 1 लीटर जल में किसी प्रबल अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डालें तो क्या होगा? अम्ल बहुत सारी मात्रा में एच पॉजिटिव आयन देगा और जो जल है वह अम्लीय हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम जल में किसी प्रबल क्षार की कुछ मात्रा डाल दें तो क्या होगा? प्रबल क्षार आयनित होकर बहुत अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा और जिसकी वजह से जो विलयन है वह क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। यानी कि जल में जब हम अम्ल या क्षारक की मात्रा मिलाते हैं तो विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है, जिससे इसके विलयन का जो पीएच है वह भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बता दें कि बहुत सी ऐसी जैविक और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो एक निश्चित पीएच पर ही होती हैं, और हम जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो प्रारंभ में तो हमने उसका पीएच मेंटेन कर लिया, लेकिन हो सकता है अभिक्रिया के दौरान उस समय कुछ अम्ल की मात्रा या क्षारक की मात्रा बने और उसकी वजह से उस अभिक्रिया मिश्रण का पीएच परिवर्तित हो जाए तो वह अभिक्रिया वैसा परिणाम नहीं दे पाएगी जैसा कि हम इच्छित रखते हैं या हम चाह रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं जहां पर हमें पीएच को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो यहाँ हम जानते हैं कि हमारे शरीर के सुचारू रूप से संचलन के लिए या हमारे शरीर में होने वाली जो चयापचयी क्रियाएं हैं उनके सही ढंग से कार्य करने के लिए हमारे रक्त का पीएच लगभग 7.4 होना चाहिए।
इसी तरह से हमारे यूरिन का जो पीएच है वह कुछ अम्लीय यानी कि 6.0 के आसपास होने चाहिए। यदि रक्त के पीएच में या फिर यूरिन के पीएच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो यह दर्शाता है कि हमारे शरीर में कुछ मेल फंक्शनिंग हो रही है, यहाँ पर जो शरीर है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें एक ऐसे विलयन की आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसे विशेष प्रकार के विलयन की आवश्यकता पड़ती है जो जिसका कि पीएच यदि उसमें बहुत अधिक जल मिला दें यानी कि उसे तनु कर दें या उसमें थोड़ी अम्ल या क्षारक की मात्रा मिला दें तो उसका पीएच परिवर्तित ना हो। तो ऐसे विशेष प्रकार के विलयनों को जिनके जिनमें जिन्हें तनु करने पर या फिर जिनमें अम्ल या क्षारक की मात्रा मिलाने पर उनके पीएच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयनों को हम बफर विलयन कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं बफर विलयनों के विषय में। सबसे पहले हम देखें कि बफर विलयन किस प्रकार से बनेंगे और बफर विलयनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बफर विलयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल बफर या सामान्य बफर और दूसरे प्रकार के होते हैं मिश्रित बफर। जो सरल बफर होते हैं वो किसी भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक के से बना हुआ लवण होता है और यहाँ पर जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं अमोनियम एसीटेट का, जो कि एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना लवण है। इसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट का, जो कि भी एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना लवण है। तो ये जो लवण बफर विलयन है, इनका जो विलयन होगा वह एक बफर विलयन की तरह कार्य करता है, यानी कि इसे तनु करने पर या इसमें अम्ल या क्षारक की थोड़ी मात्रा मिलाने पर इनके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे प्रकार के मिश्रित बफर होते हैं, ये मिश्रित बफर जो कि एक अम्ल अथवा क्षारक को उनके लवण के साथ मिश्रित करके बनाए जाते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होंगे अम्लीय बफर। अम्लीय बफर वो होंगे जिसे एक दुर्बल अम्ल को उसके प्रबल क्षार के साथ बने लवण के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। यहाँ पर एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है जबकि सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड को एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रित करके बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिश्रण, ये मिश्रण एक बफर विलयन की तरह कार्य करेगा। इसी तरह से यहाँ पर एसिटिक एसिड और पोटेशियम एसिटेट का मिश्रण ले सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट का मिश्रण ले सकते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड का मिश्रण ले सकते हैं। ये सभी विलयन एक बफर विलयन की भांति कार्य करेंगे। दूसरे प्रकार के जो मिश्रित बफर विलयन होंगे वो होंगे क्षारीय बफर विलयन। यहाँ पर भी हम दुर्बल क्षार लेंगे तथा दुर्बल क्षार के साथ उसकी प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण को मिश्रित करके इस प्रकार का बफर विलयन प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं एक दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक प्रबल अम्ल जैसे कि HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दुर्बल क्षार को उसके प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के साथ मिश्रित करके हम एक बफर प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम क्षारीय बफर कहेंगे। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं एक क्षारीय बफर। तो इस प्रकार ये बफर विलयनों के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बफर विलयन हैं इनमें अम्ल मिलाने पर या क्षारक की मात्रा मिलाने पर या फिर इन्हें तनु करने पर इनके पीएच में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अम्लीय बफर के विषय में, या इसे हम कह सकते हैं अम्लीय बफर की क्रियाविधि। तो
यहाँ पर हमने लिया है अम्लीय बफर, जिसमें हमने लिया है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट विलयनों का मिश्रण। अब हम जानते हैं कि जब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट इनका जो आयनन होगा, तो चूंकि एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल अम्ल है, और इसलिए इसका आयनन धीरे धीरे होगा और यह आयनित होकर एसीटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन देगा। और यह जो क्रिया होती है यह उत्क्रमणीय होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एसीटेट आयन होंगे वो हमें कम मात्रा में प्राप्त होंगे। दूसरी ओर यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और इसका आयनन तेजी से होगा और ये अधिक मात्रा में एसीटेट आयन और सोडियम आयन देगा। अब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास एसीटेट आयन उपलब्ध हैं। इस प्रकार का जो विलयन, बफर विलयन तैयार है। अब यदि हम इसमें किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और आयनित होकर हमें बहुत अधिक मात्रा में एच पॉजिटिव आयन और सी एल नेगेटिव आयन देगा। अब चूंकि यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन बहुत अधिक मात्रा में बन रहे हैं, तो विलयन अम्लीय हो जाना चाहिए या उसके पीएच में कमी आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एच प्लस आयन है, विलयन में पहले से ही मौजूद बहुत अधिक मात्रा में जो एसीटेट आयन हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं और एसिटिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम आयनित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़े हुए H प्लस आयनों का उपयोग हो जाता है और जो विलयन है वह वैसा ही बना रहता है जैसा कि पहले था, यानी कि उसके पीएच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी ओर यदि इसी बफर विलयन में हम कुछ मात्रा प्रबल क्षार की डाल दें, जैसे कि यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटकर सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन देगा। अब यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये विलयन में पहले से ही उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के साथ, जो कि एसिटिक एसिड के वियोजन से मिले हैं, उनके साथ क्रिया करके जल के अणु बना लेंगे, जो कि बहुत कम वियोजित होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन आयन की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति एसिटिक एसिड के, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक नहीं थे, और इसलिए जो एसिटिक एसिड है वह पुनः टूटेगा और यहाँ पर H प्लस आयन उपलब्ध करा देगा। इससे जो टोटली हम देखेंगे कि विलयन के पीएच में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह से पीएच मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बफर विलयन है किस प्रकार से प्रबल अम्ल डालने पर या प्रबल क्षारक के डालने पर भी अपना पीएच मेंटेन रखते हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं क्षारीय बफर की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। क्षारीय बफर के लिए यहाँ पर हमने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसलिए बहुत ही कम मात्रा में आयनित होगा और यह जो अभिक्रिया होगी यह रिवर्सिबल होगी, जिससे हमें अमोनियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे। दूसरी ओर जो अमोनियम क्लोराइड है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यह जब अपघटित होगा तो हमें अधिक मात्रा में अमोनियम पॉजिटिव आयन और सीएल नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे। अब इस तरह से हमारे पास विलयन में काफ़ी अधिक मात्रा में अमोनियम प्लस आयन उपस्थित हैं। अब इस विलयन में यदि हम किसी प्रबल अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन उपलब्ध कराएगा, जो कि विलयन में पहले से उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके जल के अणु में परिवर्तित हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयनों की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन से हो जाएगी और जो जो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह सामान्य बनी रहेगी। दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर
किसी क्षार की, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा डाल देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा है वह हमें सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन देगी, और ये जो OH माइनस आयन है यह विलयन में पहले से मौजूद अमोनियम आयनों के साथ क्रिया कर लेंगे, और अमोनियम प्लस आयनों के साथ क्रिया करके ये फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ नहीं पाएगी और विलयन अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही बना रहेगा, और यानी कि जो विलयन का पीएच है वह मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो बफर विलयन है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अम्ल या क्षारक की मात्रा मिलने के बावजूद भी इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है।